उनका बिजली की करंट लग गया कि कल से नहीं आएंगे प्रिया जी। अतुरत नागर शेखर का राय र सुख दिया आकंठ को दिया। वहीं पर मधुमंगल था। मधुमंगल कहा कि मैया क्यों कन्हैया को खिला रही है, जो माल है मुझे खिला दो, मैं कन्हैया को जोर से आलिंगन करूंगा, सब पेट भर जाएगा उसको। अरे ब्राह्मण देवता मैं हूं, अरे क्या खाने जानता है, खाने के लिए तो अवतार मेरा हुआ है, जो भी भोजन है स्वादिष्ट भोजन वो सब मुझको खिला दो, और कन्हैया को तो मैं जानता हूँ उसका कैसे पेट भरता है, खा करके उसको और आलिंगन करूंगा, बस बस उसका पेट भर जाएगा। इस प्रकार रस पूर्वक चर्चा करते हुए यहाँ पर खिलाती, और खाते खाते श्याम सुंदर का दृष्टि प्रिया जी पर, इसी को आचार्य गण कहते हैं, देखो माई सुंदरता की सेवा ब्रज नव तरुणी कदंब नागरी निरखी करत अधगीवा। जितनी ब्रज नागरी है, ब्रज की गोपियां ललिता विशाखा तुंग विद्या चंपक लता, ये साधारण नहीं है, लक्ष्मी के भी सौंदर्य को हतप्रभ करने वाली ये देवियां हैं। जब उनकी दृष्टि प्रिया जी पर जाती है तो प्रिया जी के सौंदर्य को देख करके अपना सिर नीचे कर लेती है, शर्मा जाती है। प्रिया जी के सौंदर्य के आगे लक्ष्मी, कोटि कोटि लक्ष्मियां, ये सब सरस्वती पार्वती प्रिया जी के रूप को देख करके अपने ग्रीवा को नीचे कर देती है। अशरू देखो माई सुंदरता की सेवा ब्रज नव तरुणी कदंब नागरी निरखी करत अधगीवा। अधगीवा नीचे कर लेती है अपने लिए। अरे कहां तक कहें, जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि पार। यदि कोई किसी को विधाता ने करोड़ों वर्ष का उम्र दे दिया और करोड़ों जिह्वा दे दिया और कह दिया जाए कि राधा रानी के एक अंग की तो वर्णन करे कर दीजिए प्रिया जी, तो रुचि रबदनार बिंद की शोभा कहतन आवे, कर ही नहीं सकता है कोई। अरे लक्ष्मी उमा रमा ये सब भी प्रिया जी की एक अंग का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी सुंदर। अरे इस मनुष्य लोक को कौन कहे, देव लोक भूलोक रसातल सुवि कवि पुण्य मटि ढली। अरे देव लोक के कवि लोग, पाताल लोक के कवि लोग, जो भगवान शंकरषण के इर्द गिर्द में रहते हैं, वे लोग भी यदि प्रिया जी के एक अंग का वर्णन करने के लिए कह दिया जाए तो महाराज सहज माधुरी अंग अंग की कही काशो पट करी। ये लोग अपना लेखनी कलम बंद कर दिए, जानते हैं ना श्रीमद् भागवत सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है, लेकिन प्रिया जी का कहीं वर्णन नहीं किया गया क्योंकि सुखदेव जी हार मारे गए। श्री सुख प्रकट कियो नहीं जाते, हम क्यों अपने बाणी को खराब करूं, प्रिया जी के एक अंग को भला कोई कैसे वर्णन। सुखदेव जी कांप गए, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार, नहीं वर्णन कर सुखदेव जी। अरे कहां तक कहें, यहां तक कहते हैं कि इस प्रिया जी के अंग के रूप का महिमा केवल श्याम नागर जानते, कृष्ण जानते, कृष्ण के अतिरिक्त कोई प्रिया जी को नहीं जानता, उनके नख चंद्र मणि को भी नहीं जानता। लेकिन क्या किया जाए, श्याम सुंदर जी से पूछा जाता है कि आप भी प्रिया जी का थोड़ा वर्णन कर दीजिए, तो जाकी भ्रू विलास बस पसुरी व दिन विकतित रस सागर, कहा कहां जाए। श्याम सुंदर भी प्रिया जी के एक अंग को देखते हैं बेहोश होकर गिर जाते, तो वर्णन कैसे करेंगे, उनमें भी तो सामर्थ्य नहीं। कोटि उमा रमा ब्रह्मानी
जिनके चरण में विश्राम पाती है, एक एक गुणों की महिमा नहीं गा पाती है, तो भला इस संसार में कौन है साक्षात श्याम सुंदर भी जब जिनकी महिमा नहीं गा सकते हैं। तो आज कल के कवि अपने कवि करके उपमा कैसे कहते हैं कि प्रताप रूप गुण बैबल श्याम ऊर्जा कोई वर्णन नहीं कर सकते। उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी पाद राधा रानी के कुछ महिमा गाए, लेकिन गाते समय डरते हैं। रूप गोस्वामी कौन है? साक्षात ललिता सखी है। ललिता सखी ही सेवा करने के लिए मंजरी बनती है रूप में। तो यहाँ पर उज्ज्वल नीलमणि में राधा प्रकरण में प्रिया जी का उपमा क्यों नहीं गाए? तो कि कहते हैं कि इनकी उपमा किसी अंग का कोई वर्णन कर नहीं सकता है, क्योंकि उपमेय ही नहीं। अब झूठ मूठ कवि लोग कहता है कि प्रिया जी का मुख चंद्रमा के समान है। क्या चंद्रमा के समान है? माधुर्य कादंबरी में लिखा गया है कि जितने कवि हैं, जब प्रिया जी कभी किसी को दर्शन देती हैं तो रोते हैं कि अरे प्रिया जी के नेत्र को मैं कमल से क्यों तुलना कर दिया। ये कमल का तो एक भी गुण प्रिया जी के उस गुण के यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा है। कोई चंद्रमा से कहे, कोई कोयल से कह देता है पीक बहनी राधा रानी पीक कोयल जैसी बोलती है, लेकिन प्रिया जी की जब वाणी कोई सुनता है तो रोता है, अरे मैं क्यों कह दिया कोयल जैसे। कोयल की वाणी तो प्रिया जी के वाणी के आगे कौवा की वाणी जैसी लग रही है। कोई प्रिया जी की मतवाली चाल को कहता है कि गजगामिनी, लेकिन जब प्रिया जी के रूप देखते हैं तो कहते हैं ना ऐसा नहीं। श्री कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि में किए हैं, और उसमें थोड़ा सा गुण वर्णन किए हैं राधा रानी, उसमें 25 गुण कहते हैं। अतः वृंदावनेश्वरजा कृतयन्ते प्रवरा गुणा, वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी ब्रजरानी राधा रानी के कुछ गुणों का वर्णन करने का मैं साहस कर रहा हूँ। कवि लोग साहस करते साहस। उसमें पहला गुण है राधा रानी की मथुरा, पहला गुण प्रिया जी का एक एक गुण, एक एक अंग श्याम सुंदर को अपनी ओर आकर्षित करती है। मथुरा का अर्थ सब अवस्थाओं में सब अंग संस्थाति के द्वारा प्यारे श्याम सुंदर के चित्त को अपनी ओर खींचती हैं, इसलिए आचार्य लोग राधा रानी का एक गुण मधुरा कहें, श्रेष्ठ मधुर। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने अंग वर्णन किया है ना, अधरम मधुरम वद नम मधुरम, उनका अधर मधुर है, नैन मधुर है, पैर मधुर है, सब कुछ मधुर है श्याम सुंदर का। अब प्रिया जी का प्रतीक अंग मधुरा है, उस मधुर के भी खींचने वाली कौन है प्रिया जी? श्री कृष्ण का चाल, श्री कृष्ण का बल, चलन बलन सब कुछ, जस्ट श्री कृष्ण जिसको छू देते वो भी मधुर हो जाते हैं, डंडा छू देते हैं तो डंडा भी मधुर हो जाते हैं, टेढ़ा खड़े हो जाते हैं तो त्रिभंग ललित मुद्रा उनको कहते हैं, दूसरा आदमी टेढ़ा हो जाए तो क्या कहते हैं लोग, एक जगह टेढ़ा हो जाए तो क्या क्या कह देते हैं उसको, कृष्ण तीन जगह टेढ़ा है, उस तीन जगह टेढ़ा पर कहते हैं कोटि कामदेव वारे, उस त्रिभंग ललित मुद्रा पर करोड़ों कामदेव निछा हुआ है, उनका त्रिभंग ललित मुद्रा भी सबके चित्त को आकर्षित करने वाला है। अरे कहाँ तक कहें, सभी जगह चोर को डंडा पड़ता है ना, लेकिन कृष्ण चोरी कहा तो शिव जी कहते हैं और चौरा ग्रहण पुरुषम नमः, उनकी चोरी भी मधुर है मीठा है। तो प्रिया जी का मधुरियम नवयाशाल अपांगो जोरित स्मिता, प्रिया जी के रूप का वर्णन करते हैं, पहला मधु और दूसरा है नित्य किशोर अवस्था जो नव भय, हमेशा प्रिया जी एक ही अवस्था की रहती है नव। यहाँ तक कि वात्सल्यमय कीर्ति मैया देखती हैं कि प्रिया जी छोटी हैं, लेकिन छोटी नहीं, हमेशा प्रिया जी एक ही अवस्था की है। जब प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं प्रिया जी तो नित्य जौवन हो जाती, जो कि गीत गोविंद के पहला श्लोक में ही है, जब नंद बाबा बाल कृष्ण लाल को अपने गोद में लेकर के भांडीर बट गए और भयंकर आंधी तूफान आ गया तो श्री कृष्ण को नंद बाबा संभाल नहीं पाए,
तो श्री कृष्ण को प्रिया जी को दे दी, राधे गृहम प्राप्य, हे राधा रानी तुम ही इसको संभाल सकते हो, दूसरा कोई संभाल नहीं। कृष्ण को संभालने की ताकत इस विश्व ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, कोई संभाल ही नहीं सकता। श्री कृष्ण को संभाल सकती है तो केवल राधा, जिसको चैतन्य श्री गौरांग महाप्रभु कोई संभाल नहीं सकता है। सच्ची माता तो परेशान हो जाती है। श्री गौरांग महाप्रभु जब उलट पलट करते थे, लेकर के बर्तन फोड़ देते थे, वस्तु को फेर फांक देते, उनको कौन संभालेगा? बड़े बड़े विद्वान पंडित आते तो उनको तो छक्का छुड़ा देते थे गौरांग महाप्रभु। सची माता तो कांपती थी, इस लाला को अब कैसे साल करूं, क्या करूं, लेकिन गदाधर पंडित को देखा चुप सा। राधा रानी ही है, कृष्ण की सब हैपड़ी को जानती है। कृष्ण कितना भी चंचल, प्रिया जी का एक अंग देखकर उसकी गति कम हो जाती है। अभिमान है ना। रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम को बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। बड़े बड़े कवि लोग अरे भाई ऐसा सुंदर सुंदर कर रहा है। और जब जनकपुर में गए प्रिया जी को, सिया जी को थोड़ा सा देखे तो अगहन के महीना में, जनवरी के महीना में उनको पसीना पसीना हो गया, सीता जी के रूप को देख उनका घमंड चूर हो गया। उनको चुप अभिमान था कि हमसे सुंदर कोई अरे नहीं। तो उसी तरह श्याम सुंदर की अहंकार चूर हो जाता है प्रिया जी को देख। श्री गौरांग महाप्रभु का जो उद्दत्त है, चंचलता है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है गदाधर पंडित को देख, क्योंकि गदाधर पंडित साक्षात प्रिया जी आकर होकर के आए थे। डर था राधा रानी से, तो मांग लिए थे कि थोड़ा सा हमको अपना भाव दे दो, हम तुम्हारा भाव का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो प्रिया जी देना नहीं चाहते, जानती थी कृष्ण अनाधिकारी, हमारे भाव को नहीं बचा पाए। राधा रानी जानती थी कृष्ण चाहते थे कि राधा रानी जितना प्यार करती है, जो राधा रानी को प्यार है वो थोड़ा सा स्वादन मैं कर, वो राधा या प्रणय महिमा के शोभान जयी बन। राधा रानी से भिखारी बनकर कहे कि प्रिया जी मैं थोड़ा सा आपका भाव लेना चाहता हूँ। प्रिया जी कहे कि कैसे, क्या करोगे, संभाल नहीं पाओगे, कहे नहीं थोड़ा सा, कहे बस की बात नहीं, फिर भी कहे तो बार बार कोई भी मंगा मांगे तो क्या कर। तो प्रिया जी कहे थोड़ा सा अपना भाव दे, राधिकार भाव कांति परी अंगीकार, थोड़ा सा भाव श्री कृष्ण लिए और ले करके क्या किए आप लोग जानते हैं, नवद्वीप में क्या किए, यहाँ पर जगन्नाथपुरी में क्या किए। नवद्वीप में तो थोड़ा संभाल कर भी रहते थे, संभाल कर क्या रहेंगे, गदाधर पंडित थे, थोड़ा थोड़ा कहीं उत्पात मचाते थे तो मैया जशोद सची मैया कहती थी जाओ जाओ जाओ, थोड़ा गदाधर पंडित को बुला लाओ। इसीलिए गंभीरा में गदाधर पंडित को अपने साथ नहीं रखते। श्री चैतन्य महाप्रभु दूर कहे छोटा गोपीनाथ में जाओ, 7 दिन में एक बार जाते थे, रोज रोज बुलाते नहीं थे, क्योंकि उनका उत्पात बन जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि विप्रलंब रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण आए थे तो आते। यही है प्रिया जी का एक गुण ही मधुरा, और दूसरा गुण है नित्य किशोर, सभी अवस्था में नित्य किशोर प्रिया जी का एक गुण। और तीसरा है चापल्यता, अखंजन नयन रूप प्रिया जी का एक अच्छा चलता, एक ही कम चपलांग। तो कौन चपल है, दृष्टि, प्रिया जी का दृष्टि, उनका मधुर हास्य। देखिए हम लोग उच्चारण करने का भी अधिकारी नहीं, अब प्रिया जी का जो मधुर मधुर मुस्कान है, उनका चंचल नेत्र है, अब कोई कभी क्या कहेगा, अधिक से अधिक कह देते हैं खंजन पक्षी जैसा प्रिया जी का नेत्र चंचल है। अरे कितनी चंचल है तुमको क्या पता है, क्या जानते हैं। प्रिया जी के एक एक अंग हाथ है, हाथ दोनों हाथ दोनों पैर मिला करके 50 है ना, 50 चिन्ह प्रिया जी के शरीर, हाथ और पैर मिलाकर, तो उसमें सौभाग्य सूचक है, अति मनोहर रेखा है।
एक ही कमी। चार सौभाग्य रेखाध्या गंधुर मादित माधवा संगीत प्रसरा भिज्ञा रम्यांग नर्म पंडिता। प्रिया जी का सब लक्षण विनीता करुणा पुण्य विदग्धा पाठवान्विता लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्य गंभीर शालिनी सुविलासा महाभाव परमोत्कर्ष तर्षणी। तो फिर एक है गंधोन मादित माधवा। प्रिया जी यदि कहीं भी आ जाए, यदि वृंदावन में प्रिया जी आ जाए तो श्याम सुंदर के नाक में गंध आ जाए। एक एक प्रिया जी का ये भी गुण है गंधोन मादित माधव। प्रिया जी के श्री अंग के गंध से उन्मादित होकर के श्याम सुंदर भमरा जैसे घूम रहे, गुनगुनाने लगते कहाँ है कहाँ है। अब लगता है इत्यादि सखियां कहती भी हैं कि नहीं नहीं श्याम नहीं आया नहीं है, लेकिन प्रिया जी के अंग गंध से उन्मादित होकर श्याम सुंदर रूप नहीं पाते, हम उनको पता चल जाता है। एक गुण है संगीत प्रसराभिज्ञा। आचार्य लोग कह रहे हैं कि एक बार ललिता सखी से प्रिया जी कहे कि हे ललते हमारा मन करता है कि थोड़ा संगीत सीखे, तो ललिता जी कहती हैं कि आपको संगीत कौन सिखलाएगा। तो किशोरी जी कहती हैं हमको तो संगीत माधव भी सिखला सकते हैं, दूसरा कोई सिखलाएगा नहीं। तो ललिता सखी कहते तो माधव क्या सिखलाएगा, माधव को तो आप रोज शिक्षा देती हैं, वो आपको क्या सिखलाएगा। तो राधा रानी कहती अरे ललिते तू ऐसे मत बोलो, हमको पता है माधव के पास बड़े बड़े संगीत आते हैं जिनकी एक बंसी से मैं उन्मादनी हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ, मैं जाऊँगी सीखने के लिए उनके। तो हम लोग भी चले ना, तुम लोग ना चल, मैं अकेले जाकर सीखूंगी। हमारा प्रिया जी जाती हैं सीखने के। तो विशाखा सखी बुला करके कहती अरे विशाख अरे प्रिया जो आप जा तो रही हैं बहुत छलिया है, उससे डर कर रही है, हम लोगों को डर लग रहा है अकेले वो कुछ चोरी कर रहे, उसका आदत है चोरी करने की। तो राधा रानी कहती अरे हमारा कुछ चोरी करेगा नहीं, नहीं उसका आदत है बिना चोरी किए रहेगा। प्रिया जी किसी की बात नहीं मानी और चल प्यारे श्याम सुंदर के पास गई। श्याम सुंदर कहे कि किस लिए आई है, तो हम संगीत सीखेंगे। तो श्याम सुंदर शर्मा गए कि अरे हमारी मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं थोड़ा आपसे संगीत सीख लूँ, कैसे नाचा जाता है कि कैसे गाया जाता है, हमको भी थोड़ा आ जाए। तो कहते नहीं 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 आप हमको सिखला दो। ठीक है भाई चलो श्याम सुंदर सिखलाने। और सिखलाने के बाद पहले ताल सिखला है, फिर बंसी छह सिखला है, फिर नृत्य करना सिखला है। और सिखलाने के बाद प्रिया जी के गले पर हाथ डाल करके थोड़ा बन विहार की। कृष्ण तो है चोर, तो बल विहार करते समय प्रिया जी की जो मुद्रिका है ना वो धीरे से कृष्ण चोरी अचीव करके चले गए। तो प्रिया जी गई सखियों के साथ, तो सखियां अन्वेषण की आप वहां गई जरूर कुछ चोरी किया ना ना ऐसे क्यों कर, अरे बिना दक्षिणा का वो नहीं देते कुछ सिखलाता है, तो आप दक्षिणा कुछ नहीं दी तो ना ना हम कुछ हमसे कोई दक्षिणा लेगा नहीं नहीं, अरे वो बिना दक्षिणा का देगा नहीं, आपका ज्ञान टिकेगा नहीं बिना दक्षिणा। तो हम लोग आप खोजेंगे क्या क्या सब आभूषण है, तो सब आभूषण ललिता जी सखियाँ खोजी, कान का नाक का सब का देखी कि अरे आँख का मुदरी कहाँ और नहीं कोई कोई गिर गया, अरे आज मैया पहनाई नहीं होगी। राधा रानी कही आज मैया लगता है हमको नहीं पहना, नहीं नहीं हम लोग आप जी गई तो देखी मुदरी, और कौन लिया होगा तो कही ललिता और कोई ले ही नहीं सकता वही लिया। तो मेरा सब सखियां जाती हैं और जा करके प्यारे श्याम सुंदर से कहती हैं। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे तुम लोग क्यों हमारा बदनाम कर दिया, ऐसे पहले ही माखन चोर चोर करके बदनाम की, हमारा शादी भी होने नहीं दी और ऊपर से कहती है कहना भी चुरा नहीं लगे, ऐसा हम काम करेंगे, हमारे बाप को क्यों बदनाम तुम लोग कर दें। हम नंद बाबा इस पूरे ब्रजमंडल के सबसे यशस्वी है, मैं उनका बेटा हूँ और तुम कह रही छो। तो ललिता जी कहे कि हम लोगों को विश्वास नहीं है तुम्हारा, हम लोग पूरा भूलिए खोजेंगे तुम्हारे। तो श्याम सुंदर प्रिया जी के जो मुद्री था उसको महाराज अपने पीताम्बर में बांध देते, ललिता सखी उनको खोजे
अब श्री कृष्ण की इतनी बेइज्जती कर दी। ललिता सखी कहे कि जरूर हम लोग भी इसकी चोरी करके दिखाए। तो एक दिन भगवान को चारण करते करते थक गए थे, किसी पेड़ के नीचे सोए थे और सखियां आई, उनके एक एक आभूषण सब निकाल कर। श्याम सुंदर जब जगे तो चारों तरफ खोजे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चारों तरफ और कौन, मधुमंगल मिल गया। मधुमंगल से पूछे तू बताओ कौन ले गया मेरा, अरे उन लोगों को छोड़कर कोई लेगा इन्हें कौन लेगा। ओ राधा रानी के पास गए, राधा रानी से खूब कहे श्याम सुंदर की दे दो, अरे तुम चोर हम लोगों को चोरी करने जा रहे, अरे हमारा दादा चोरी किया ना, हमारा बाप चोरी, हम लोग को तुम चोर लगाते। तो कृष्ण चले गए लौटा और मन में विचार करने लगे कि हम यदि पक्का नंद बाबा का बेटा होगा तो अपना आभूषण लेकर चलो। अब श्याम सुंदर महाराज खूब सुंदर सखी का भेष बना, सावली सखी का भेष, और जाय राधा बरसाना भी आकर छाती पीट पीट कर रोने लगे, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन, हा गोपीजन बल्लभ। श्याम सुंदर तड़प तड़प करके रोने लगे। ललिता सखियों को जब पता चला, ललिता सखियां और आ करके कहने लगी कि अरे प्याजू, एक ऐसी विदेशनी जोगिनी बाला आई है कि जो हा श्याम सुंदर को आकर धड़ाम धड़ाम पृथ्वी पर गिर जाती है। तो कहे कि ठीक है उसको लाओ हमारे दरबार में लाओ। तो दरबार में जब लाया गया तो बेहोश, हा श्याम सुंदर, हा प्रिया, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन, कह करके श्याम सुंदर रो रहे। तो प्रिया जी कहे कि अरे ये तो बहुत बड़ी वियोगिनी है, ये बच नहीं सकती है, एक बार दर्शन दे दो। तो सब सखियां कहे कि प्रिया जी आप इसका जान बचा दो। तो वह ठीक है, तो हमको आज मदन मोहन का भेष बना, श्याम किशोरी जी कहे तो लेकिन भोल पैसे बनेंगे, बंसी तो है, अरे बंसी तो चोरी करके लाए ही, चिंता क्यों कर। कृष्ण का जितना आभूषण है सब हम लोगों के पास ही है, इसका तो जान बच जाएगा। तो प्रिया जी का खूब सुंदर श्रृंगार मदन मोहन भेष में किया, बंसी भगवान का बाजूबंद जो जो चोरी करके आया गया वो सब पहनाया, और श्याम सुंदर के पास श्याम सुंदर तो उनके और राधा रानी वो मदन मोहन के रूप में प्रकट हो गए। और श्याम सुंदर थे जा करके प्रिया जी के हाथ से पहले बंसी छीन, आज बंसी दे दी, एक बार जो बंद दे तुम्हारे के हाथ, तो दोनों प्रिया लाल का मिलन हो गया। इस प्रकार प्रिया जी विविध क्रीड़ा करके प्यारे श्याम सुंदर को अपनी ओर और श्याम सुंदर प्रिया जी को, इस प्रकार इस रस का हमारा रस रस करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। गीत गोविंद है, यहाँ पर गीत गोविंद है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण सुचिर मनुनयेन प्रीणयित्वा मृगाक्षिं गतवति कृतवेशे केशवे कुञ्जशय्यां रचित रुचिर भूषां दृष्टिमोषे प्रदोषे स्फुरति निरवसादां कापि राधां जगाद। एकादश सर्ग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कल हम लोग श्रवण किए थे कि प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को मना रहे और प्रिया जी के चरण कमल को अपने शीर पर धारण कर रहे और कहते हैं कि हे प्रिया जी, आप किसी भी तरह अपने चरण को हमारे शीर पर रखें। प्रिय चारु शीले, प्रिय चारु शीले, मुंच वही मानव मिला शपति मद नान लो दहति मम मानसम देह मुख कमल। तो प्रिया जी का मान भंग हो गया। अब श्याम सुंदर की ओर प्रिया जी को ले जा रही सखी। विरचित चातु बचन रचनम चरण रचित प्रणिपातम संप्रति मंजुल बंजुल से मन के लिशयन मनुयातम मुग्धे मधु मथन मनुगत मनुशर्माम राधिके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। घन जघन स्तन भार भरे दर मंथर चरण विहारम मुखरित मणि मंजीर मुपे विधेहि मराल निकारम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा रस सुधा विधि में है ना झंकार बत कर ही राधा, वैसे ही गीत गोविंद में सखियां कहती है प्रिया जी मुखरित मणि मंजीर मुपे विदे मराल निकार। अर्थात अपने नुपुर का ध्वनि करते करते कुंज में चले, नुपुर को संचार करते हैं। कैसा आपका श्रीअंग है? तो घन जघन स्तन भार भरे दर मंथर चरण विहार। प्रिया जी जब चलती है तो लगता है मतवाली हाथी मत में होकर चल रहे। घन जघन स्तन भार भरे दर मंथर चरण विहारम मुखरित मणि मंजीर मुपे विधेहि मराल निखारम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीणुरमणीय तरम तरुणी नव मोहन मधुरी कुबारम कुसुम शरासन शासन बंदिन पिक निकरे भज भावम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम नाम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाम नाम हरे। प्रिया जी से कहती हैं, हे प्रिया जी हमारी एक बात मानो, बस क्योंकि सखी मंजरियों का सबसे उत्कृष्ट सेवा है प्रिया जी को श्याम सुंदर से मिला दी, बस इतना है। सखी कहती है श्रीणु रमणीय तरम तरुणी जन मोहन मधुरी पुरावम कुसुम शरासन शासन बंदिन पिकनिक रे भज भावम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनिल तरल किस लयन करेण करेण लता निकु
तुरंगम प्रेरणमिव करवोरु करोति गतिं प्रतिमुञ्च विलम्बम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। अब विलम्ब मत करो, गति प्रति मुंच विलम्ब, अब देर मत करो, क्योंकि ये नागर बेहोश हो जाएगा। स्फुरत मनंग तरंग बसा दिवसोचित हरि परिरम्भम। प्रेक्ष मनोहर हार विमल जलधार ममुम कुछ कुंभम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अतिगत मखिल सखी भीरितम तव बपुर पिरतिरण सहजम। चंडी रसित रस नारव डिंडिम अभिसर सरस सलजम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। स्मर सर सुभग नखेन करेण सखी मवलम्ब्य सलीलम। चलबल यक्वणितैरव बोधय हरिरपि निगदति शीलम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जय देव भनित मधरी कृत हर मुदासित बामम। हरि विनिहित मन सामधिष्ठ तु कंठ तजीव निरामम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम